यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। भिवानी की रहने वाली सरिता ने छोटी उम्र में वो कमाल करके दिखाया जिसे अभी तक खुद योग गुरु बाबा रामदेव भी नहीं कर सके। सरिता ने लगातार 11 घंटे तक 3737 बार सूर्य नमस्कार किया और रिकॉर्ड कायम किया है। भिवानी की सरिता उर्फ गोल्डी ने ऐसा कमाल कर दिखाया है जिसको खुद योग गुरु रामदेव भी नहीं कर पाए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून से ठीक एक दिन पहले सरिता ने भिवानी के प्राकृतिक चिकित्सालय के प्रांगण में 11 घंटे में 3737 बार सूर्य नमस्कार कर नया रिकॉर्ड कायम कर लिया है। सरिता ने 20 जून बुधवार को सुबह 4:25 से दोपहर 3:35 तक 3737 बार सूर्य नमस्कार किया, जिसकी बकायदा सीसीटीवी के माध्यम से रिकॉर्डिंग भी की गई। जी नरेंद्र की वजह से हो पाया, सब इन्होंने रात दिन बहुत वो करा है और इन्हीं की वजह से सब कुछ हो पाया। इन्होंने बहुत हौसला दिया है। कितनी खुशी आपको महसूस हो रही है आपकी बेटी ने आज? मैं बता नहीं सकती, शब्दों में बयान नहीं कर सकती मैं, और पूरे योग फैमिली की तरफ से भी बहुत सहयोग मिल रहा है। चावला जी, रुचि योग में थी, कितने समय से रुचि तो हमारी बहुत दिनों से है जी। 4:25 पे शुरू किया था और अब 3:15 हो चुके हैं। 10 घंटे से लगभग 5-10 ऊपर हो चुके हैं इनको, और जो पहले का वर्ल्ड रिकॉर्ड था वो 8 घंटे में 3123 का था, उसको ये पार कर चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर ये रिकॉर्ड सरिता ने अपने नाम किया है। इस उपलब्धि पर भिवानी के प्राकृतिक चिकित्सालय की योगा टीचर रविंद्र एवं डॉक्टर मदन मानव का अहम योगदान है। भिवानी के प्राकृतिक चिकित्सालय में डॉक्टर मदन के सानिध्य में योगा की शुरुआत करने वाली सरिता ने साल भर पहले योगाभ्यास शुरू किया था। पिछले लगभग 4 से भिवानी में सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया जा रहा है और ये पूरे भारत में शुरुआत भिवानी से ही हुई। हम लोगों ने जो पतंजलि योग समिति के साथी हैं जगह जगह जाकर के और ऐसा प्रयास करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं। उसमें सबसे पहले अभ्यास किया था रविंदर जी ने, और इसके बाद फिर हमारे ही साथी ने जब 2015 को सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया उस समय वो रिकॉर्ड बनाया उन्होंने। सरिता ने बताया कि उन्होंने अभ्यास को निरंतर जारी रखा जिसके बल पर उन्होंने ये मुकाम हासिल किया जिसकी उन्होंने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी। इस रिकॉर्ड के बाद सरिता का आत्मविश्वास बढ़ा है और अब वो योग से जुड़े और बड़े रिकॉर्ड अपने नाम करने की कोशिशों में जुट गई है। खबरें अभी तक के लिए भिवानी से सुमित कुमार की रिपोर्ट।